12 बजने वाले हैं। मैंने अपना चिल्ला शुरू करना था और तुम्हें मेरे पास होना था। भूल गई थी क्या हजरत बीबी? मैं वो सुहाग रात मना रही थी, दिलनवाज। फवाद के साथ तुम्हारी शादी रचाना मेरा प्लान का हिस्सा है। मत भूलो कि तुम मेरी कनीज मुवक्किल हो। मैं तुमसे कोई भी काम करवा सकती हूँ। आपकी कनीज हाजिर है हजरत बीबी। जो मैंने सोचा है वैसा ही होगा। 3-4 दिन अब तुम उस लड़के से बिल्कुल नहीं मिलोगी। उसको तड़पने दो, इस सोच में पागल होने दो, उसकी दुल्हन गई कहाँ? रशीदा पे इस बात का क्या असर होगा मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। और एक और बात, दिलनवाज, तुम जानती हो ना, तुमने उस लड़के से कोई जज्बाती लगाव नहीं रखना। इंसान और जिन के ऐसे ताल्लुक नहीं होते, जानती हो ना। तुमने सिर्फ और सिर्फ मेरे हुक्म पे चलना है। कुछ और करने की कोशिश की, मैं अपने वजीफे से तुम्हें जला के राख कर दूंगी। खालिद, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों इतनी खलबली मची हुई है रात से? बाहर का दरवाजा किसने खोला है? नहीं, मैंने नहीं खोला। और तुम्हें पता है कि मैंने नहीं खोला, क्योंकि मैं तो तुम्हारे सामने सो गया था। हो ना हो, इस घर में जिन भूत जरूर है। कितने दिन से हम यहाँ रह रहे हैं, दिखाई दिया है तुम्हें कुछ जिन भूत, कोई इस तरह की कुछ चीज? खालिद, वो दरवाजा जाम था, वो खुल कैसे गया? अरे पापा, हमारे बेटे ने खोला होगा। खालिद, वो दरवाजा तो इतना जाम है, फवाद कैसे खोल सकता है? बाबा, हो सकता है फवाद ने बाहर से खोला हो तो खुल गया हो। और वैसे भी माशाल्लाह, मुझमें और उसमें फर्क है। जवान आदमी है, मैं बूढ़ा आदमी हूँ। उसमें इतनी ताकत है कि खोल सकता होगा, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? छोटी छोटी बात पे अपसेट हो जाती हो तुम। चाय बना दो प्लीज, मुझे देर हो रही है।
मैंने ये सब कब देखा था? शादी? क्या मेरी वाकई दिलनवाज से शादी हुई थी? मेरे प्यार की हद कर अब जिंदगी भर के लिए आपके हाथ में डल गई साहब। दिलवास? सब तो दिलवास है। मैंने कोई ख्वाब नहीं देखा। कहाँ दिलवास? 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 दिलवास कहाँ हो तुम दिलवास? दिलवास? किसी आवाजें दे रहे हो फवाद? क्या हो गया बेटा? दिलवास को मां। दिलवास? कौन दिलनवाज? हाँ मेरी बीवी आपकी बहू दिलनवाज। क्या क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? क्या कह रहे हो? पड़ोस में रहती है, हमारे पड़ोस में रहती है। घर क्यों नहीं आई? वापस क्यों नहीं आई घर? दिलवास कहाँ है? दिलवास मां एक सेकंड मत। दिलवास बात, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमारी शादी हुई है। सॉरी मैंने आपको बताना था, मैं बता नहीं सका। शादी हुई थी यहाँ बैकयार्ड में। शादी हुई थी हमारी बैकयार्ड में। मेरा यकीन करें मेरा। किस तरह से समझाऊं मैं आपको? नहीं समझा पा रहा ना। मुझे लगता है तुम्हारी हालत कुछ ठीक नहीं है। तुमने ख्वाब देखा होगा अभी भी नींद से? मुझे ना कोई ख्वाब नहीं देखा। कोई ख्वाब नहीं देखा मैंने। कोई ख्वाब नहीं देखा। आपको नहीं यकीन आ रहा? नहीं यकीन आ रहा ना आपको? एक सेकंड, मैं आपको उसके सामने लेके आता हूँ। आपके सामने आता हूँ। आप यही रहिएगा, यही रहिएगा। फवाद मैं सामने लेके आता हूँ। सामने लेके आता हूँ, मैं यही रहिएगा। मेरी चप्पल कहाँ? फवाद, फवाद, कौन? जी बोले। दिलनवाज कहते हैं। दिलनवाज? दिलनवाज की छोटी बहन है। दिलनवाज? दिलनवाज यहाँ कोई दिलनवाज नहीं रहती। आपको गलत फहमी हुई। कोई 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 गलत फहमी हुई। कहाँ जा रहे हैं आप? दिलनवाज, दिलनवाज खैर, कौन है आप? दिलनवाज कहाँ है? कौन दिलनवाज? कौन दिलनवाज? आपकी छोटी बहन दिलनवाज। और कौन? उधर देखो, वो मेरी बहन है जहां आ रहा। नहीं नहीं नहीं, इनसे भी छोटी की बात करूं। दिलनवाज की बात करूं मैं। दिलनवाज कहाँ है? कहाँ है दिलनवाज? मेरी तो एक ही बहन है जहानारा। कहाँ है? उसका नाम दिलनवाज नहीं है। क्या दिमाग तो ठीक है आपका? निकाह में आई थी आपको करने। आप दोनों मेरे निकाह में शामिल। ऐसी बातें कर रही हैं आप? क्या कह रहे हैं आप? हम दोनों तो आपको पहली दफा देख रहे हैं। मैं झूठ बोल रही है? मेरे मुंह पे झूठ बोल रही हूँ आप? फवाद, फवाद बेटा घर चलो। दिलनवाज का घर है ये। दिलनवाज का घर है ये। दिलनवाज का घर है। मैं अपनी बीवी के बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूँ। आप खुद बात करें, खुद अपनी जबान में समझाएं, खुद अपनी जबान में समझाएं। मैं दिलनवाज के बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं दिलनवाज को लेकर जाऊंगा। मैं बता रहा हूँ आपको, दिलनवाज को मैं लेकर जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम रशीदा। तो ये आपका बेटा है? क्या 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 कह रही है बाबा? आप जानती हैं? जी जी बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। आपकी अम्मी आपको काबू करने के लिए मुझसे ही तो तावीज लेकर जाती हैं। ये सब तुम्हारे तावीजों का असर है। सब उल्टे हो गए। मेरा बेटा अपने होश खो बैठा है। कोई होश नहीं खोया मैंने। खाने खाए इनके घर के मैंने। मुझे खुद बताया था दिलनवाज ने, ये दोनों उनकी बड़ी बहनें, आले मारा और झारा। ठीक है ना? ठीक कह रहा हूँ ना मैं? मुझे सब पता है, सब पता है। मेरे साथ झूठ मत बोले। आप लोग फ्रॉड हैं। कहाँ से फ्रॉड है बताओ? रशीदा अपने बच्चे को ले जाओ, खतरनाक लग रहा है, वरना मैं पुलिस बुला लूँ। पुलिस तो मैं बुलाऊंगा। पुलिस बुला लेंगी। छोटी औरतें झूठ बोलती हैं। फ्रॉड है ये लोग, फ्रॉड है। मैं बता रहा हूँ आपको, फ्रॉड है। बुलाओगे तो क्या कहोगे बताओ? घर खुला है, जाओ देखो। ये दिलवाज है, झूठे झूठे लोग हैं। दिलवाज है ना? दिलवाज, दिलवाज। अब
आपको मेरी बात का यकीन ही नहीं आ रहा। मैं कब से कह रहा हूँ जल्दी आए ना अम्मा। ये देखे यहाँ पे खाना लेके आती थी मैं आपको बता रहा हूँ झूठ बोल रही है। मैं बेटा हूँ आपका। ये देखे कल रात मुझे कड़ा बनाया मोहब्बत की निशानी है। घर में आती थी मेरा यकीन करें। दिलवाज ला दे। मैं नहीं रह पा रहा हूँ। मुझे दिलवाज चाहिए। मैं आपको बोल रहा हूँ ना मुझे दिलवाज चाहिए। तुम मैं थक गया। मैं बात घर चलो बेटा। कैसे 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 काम है आपको तो तबीयत ठीक नहीं। घर चलो। अरे की कर मां मेरा यकीन कर। फवाद 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 कोई है उठो बेटा। उठो बेटा। खालिद खालिद फवाद कोई है? हेलो खालिद कहाँ हो तुम? जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचो। फवाद की तबीयत खराब होगी। उसे तेज बुखार हो गया। पागलों जैसे बातें कर रहे हैं। तुम जल्दी से आओ। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? बस वैसे ही कोई काम है छोटी बेबी। देखो मैं इधर दिलनवाज तुम रो रही हो? नहीं मैं तो जन्नजादी हूं ना। मैं कहाँ रो सकती हूँ? क्या बात है दिलनवाज? कहीं तुम उस लड़के से मोहब्बत तो नहीं कर बैठी? हजरत बीबी की गुलाम हूं मैं। मुझे अपनी मर्जी से जीने का कोई हक नहीं। मोहब्बत तो बहुत दूर की बात है। ये क्या कर बैठी दिलनवाज? एक इंसान से मोहब्बत कर बैठी? मैंने ये सब जानकर नहीं किया है। मैं तो बाकी लोगों की तरह उसे भी उस घर से भगा देना चाहती थी, लेकिन पता नहीं कैसे उस घर को छोड़ने के बजाय वो मेरे दिल में जगह बना बैठा। मैं सच बता रही हूँ, हसन बीबी के काम करते करते मुझे कब उससे मोहब्बत हो गई मुझे पता ही नहीं चला। और अब तो मेरी उससे शादी हो गई है। मैं उससे दूर कैसे रह सकती हूँ? मैं तुम्हारे जज्बात समझ सकती हूँ दिलनवाज, समझ सकती हूँ। दिलनवाज के दिल का हाल कोई नहीं समझ सकता। आप लोगों के लिए मैं एक दूसरी दुनिया की मखलूक हूं ना। जहां रहने वालों के सीने में ना दिल है ना जज्बात। बस हजरत बीबी ने मुझे काबू किया, चला खींचा और मुझे अपना गुलाम बना लिया। अब सारी जिंदगी मैं आप लोगों के हुक्म पर चलने वाली एक कमजोर जिंसाती हूं। आप तो अशरफुल मखलूकात है ना। आपके मकासद पूरे हो जाए, आपको खुशियां मिल जाए, सुकून आ जाए, बस और हमारा क्या? अपने दिल की सुनेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। बुझा कर मसल कर नामो निशान खत्म कर देंगे आप। फना हो जाएंगे हम लोग। ऐसी बात नहीं है दिलनवाज। ऐसी ही बात है छोटी बीबी, ऐसी ही बात है। नहीं दिलनवाज समझो मेरी बात, ये जिन्न और इंसान की तफरीक नहीं है दिलनवाज, बल्कि ये कमजोर और ताकतवर की तफरीक है।
जो जितना ताकतवर होता है ना, दूसरे पे हावी होके उसे मसल के फना कर देता है। मेरे साथ भी तो ऐसा ही बना है। मुझे भी मेरी माँ बाप से दूर कर दिया गया। मैं तो तुम्हारी मखलूक में से नहीं थी। मुझे देखो मेरी तरफ, मुझे भी मेरी जिंदगी का फैसला करने का हक नहीं मिला। रशीदा, क्या हुआ, कैसी तबीयत है उसकी? पता नहीं खालिद, अभी डॉक्टर अमजद को भी बुलाया है। पता नहीं, मुझे तो अंदर भी नहीं जाने दे रहे। खालिद, हमारे बच्चे को क्या हो गया है? कल तक तो बिल्कुल ठीक था, यूं अचानक क्या हुआ ऐसा? पता नहीं खालिद, क्या कैसी बातें कर रहा है वो। कह रहा है कि कल मेरी शादी हो गई है और ऐसी लड़की से शादी हुई जिसका हमारे इर्द गिर्द कोई वजूद ही नहीं है। पहले तो दीवारों को देख के जोर जोर से हंसता था, बातें करता था। खालिद, अब क्या होगा? कुछ नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा, तुम हौसला रखो। समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर अमजद कमरे में? नहीं, वो आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं? अंकल, वैसे तो वो बिल्कुल ठीक है, उसको बुखार था वो भी उतर गया है और मैंने एहतियातन ब्लड टेस्ट भी करवा लिया, लेकिन वो बातें कुछ अजीब सी कर रहा है। किसी दिलनवाज को बुलाने को कहता है। होश में उठकर भागने लगा, मैंने रोका तो मुझसे कहता है कि दिलनवाज के पास जा रहा हूं। मैंने डॉक्टर समीर को बुलाया है, वो साइकियाट्रिक वार्ड से। आई थिंक अंकल, इस सिचुएशन में उनको बुलाना बनता है। मिल सकते हैं उससे? I'm sorry अंकल, अभी नहीं आप मिल सकते, क्योंकि वो थोड़ा सा aggressive हो रहा था तो मैंने उसको sedatives दिए हैं। थोड़ी देर में होश में आ जाएगा तो फिर आप लोग मिल लीजिएगा, ठीक है? ठीक ठीक है बेटा, शुक्रिया। थैंक यू। समझ नहीं आ रही है। मुश्किल किरण बेटा, सूप पियो, तुम्हारे लिए मैंने चाइनीज सूप बनाया है। कम से कम थोड़ी एनर्जी तो आए ना, मेरी बच्ची निढाल हुई हुई है बिल्कुल। क्या हो गया मियां को, क्यों मुझे बीमार करने पे तुलेंगे आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको पता है, आपने मेरी फजूल में यूनिवर्सिटी की छुट्टी कराई है। आज मेरी लास्ट क्लास थी और अब हम सब लोग फाइनल एग्जाम्स के बाद मिलेंगे। बेटा मैं क्या करती, तुमने मुझे कल रात डरा दिया था, मैं डर गई थी बहुत। डर तो मैं भी बहुत गई थी अम्मी, लेकिन कोई बात नहीं, से ख्वाब ही तो था। ख्वाब तो सबको आते हैं और ख्वाब पे किसी का इख्तियार नहीं होता। किरण बेटा, मैं जानती हूँ तुम परेशान हो, बहुत डरी हुई हो, तो ये सब कुछ बोल के मुझे झूठी तसल्ली देने की क्यों कोशिश कर रही हो? जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा साथ तो मुझे देना ही है ना, तो फिर मुझसे शेयर करो, अकेले क्यों सह रही हो? अम्मी, अगर फवाद को कोई खतरा है तो उसके इशारे मुझे क्यों मिल रहे हैं? बाबा का बार बार आना, आकर मुझे हमेशा किसी न किसी को बचाने का कहना, ये कहना कि फवाद को अकेला ना छोड़ो, जरूर फवाद किसी न किसी खतरे में, मेरा दिल कह रहा है। अच्छा, हम क्या कर सकते हैं, उसे कैसे बचा सकते हैं? कौन है वो हमारा, क्या लगता है? अगर वो हमारा कोई नहीं है तो हम क्यों बेचैन हैं अम्मी, क्यों हमें सुकून नहीं मिल रहा? कोई तो कोई वजह होगी ना अम्मी, कोई ताल्लुक तो होगा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है रशीदा, तुम्हारी जिद और हठ धर्मी ने फवाद को इस जगह पहुंचा दिया। इकलौता बेटा है, पागल क्यों अपने हाथों से उसकी जान लेने पर तुली है? ये जरूर आलम आरक का तावीज उल्टा पड़ गया है,
बहुत सुना है मैंने, जब तावीज उल्टा पड़ जाए तो अच्छा खासा इंसान पागल हो जाता है। या फिर किरण की जुदाई में फवाद का ये हाल हो गया। आलम आला ने मुझसे पैसे लिए हैं, वो क्यों गलत तावीज करेगी मेरे बच्चे पर? बल्कि वो लोग तो शुरू से ही फवाद के खाने पीने का ख्याल रखते रहे। ये वजह नहीं हो सकती। फवाद 100% किरण से दूर रहने की वजह से इस हाल को पहुंचा है। आपने बुलाया हजरत बीबी? दिलनवाज, रशीदा की तरफ से बिल्कुल खामोशी है, जाकर पता तो लगाओ। जी? हाँ, अपने इकलौते बेटे को एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल ले गई। या उसे होश आया भी कि नहीं, जाके मालूम करो। दिलनवाज, अपने आप को किसी के सामने जाहिर मत करना। जल्दी से जाओ और खबर लेकर वापस आओ। 10 काम पड़े हैं तुम्हारे जिम्मे लगाने। जो हुक्म हजरत बीबी। मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश मत करना। खुद से कोई जज्बाती कदम मत उठाना। अगर उस लड़के को तुम जाहिर हुई, वो चीखेगा चिल्लाएगा और उसकी माँ मुझे सब कुछ बता देगी। समझ आई? दिलनवाज, तुमने शादी की अंगूठी उतारी है? वो नाटक अब खत्म हो गया है, उतारो इसे। अब जाओ और जल्दी खबर लेकर आओ। जी। रशीदा बेगम, तुझे ऐसा मजा सिखाएगी आलम आरा कि तू घर छोड़कर दूर कहीं पनाह ढूंढेगी। अरे ये गाजर तो तुम्हारी सही है नहीं। अच्छा ये भाई, जरा हरी मिर्चें भी डाल दो। हाँ। ये क्या हुआ बीबी? अरे भाई, हजरत बीबी के घर के सामने खड़े होंगे तो ऐसे वाकयात तो होंगे। ये लो भाई पैसे, सुभान अल्लाह पढ़ो सुभान अल्लाह। फवाद, मेरे बच्चे, होश आ गया तुम्हें? अम्मा, दिलनवाज कहाँ है? दिलनवाज कहाँ है? मुझे उससे मिलवा दो प्लीज, एक मिनट में दिलनवाज से मिलवा दो। मैं फिर कुछ नहीं कहूंगा, बस एक मिनट में दिलनवाज से मिलवा दो। फवाद, कौन दिलनवाज? हमारे इर्द गिर्द तो ऐसी किसी भी लड़की। फिर वही बात, कितनी दफा बताया मैंने आपको, कितनी दफा बताया मैंने आपको? क्यों समझ नहीं आ रही मेरी बात? क्यों समझ नहीं आ रही आपको मेरी बात? फवाद, खुश करो बेटा,
कैसी बातें कर रहे हो तुम? दिलनवाज मेरी बीवी है, बीवी है मेरी। प्लीज कहीं से ढूंढ ला, दिलनवाज कहीं से ढूंढ ला। आपको क्यों समझ नहीं आ रही मैं झूठ बोल रहा हूँ? आपको बात यकीन नहीं कर रही है, यकीन ही नहीं कर रही मेरी बात का। हाँ मिल जाओ उससे, बुला दे मुझे। वालेकुम सलाम। होश आ गया फवाद? हाँ अभी अभी आया इसे फवाद। सर मुझे जाना होगा। देखो नहीं अभी तुम नहीं जा सकते, डॉक्टर समीर आए उनसे मिल लो। डॉक्टर साहब आप मेरी बात को नहीं समझ रहे हैं, मेरा जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, प्लीज मुझे जाने दें प्लीज। फवाद मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ, देखो मेरी बात सुनो, बैठो। मुझे आंटी से कुछ बात करनी है, वो मैं कर लूँ फिर तुम बाहर आ जाना, बल्कि घर चले जाना, ठीक है? डॉक्टर साहब नहीं समझ रहे, प्लीज मुझे जाने दें प्लीज। अच्छा, अभी बैठो बैठो बैठो, जब तक तुम डॉक्टर समीर से मिल लो। चलिए जी। डॉक्टर फवाद मुझे तफसील से बताइएगा कि आपको क्या हो गया था और आप यहां तक कैसे पहुंचे? आंटी डॉक्टर समीर बहुत मारूफ साइकेट्रिस्ट हैं और मेडिकली फवाद को बज़ाहिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई मीन हमने उसके ब्लड टेस्ट करवा लिए, सीटी स्कैन, एमआरआई सब करवा लिया, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। तो क्या मेरा बेटा दिमागी मरीज बन गया? अभी हतमी तौर पे मैं आपको कुछ नहीं बता सकता आंटी, लेकिन डॉक्टर समीर हमारे हॉस्पिटल में ही होते हैं, बहुत ही काबिल डॉक्टर हैं और वो फवाद को पर्सनली जानते हैं, आई एम श्योर वो उसकी हेल्प करेंगे। अंकल कहाँ हैं? वो घर गए खाने पीने का इंतजाम करने। मेरा इकलौता बेटा है, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। आंटी आप थोड़ी हिम्मत रखिए, मैं कह रहा हूँ ना इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, आप बस दुआ करें। आप बैठे मैं मुझे बताता हूँ। मैक्सिमम कितने दिन लग सकते हैं इस काम में? नहीं मुझे जल्दी बताएं प्लीज। 15 डेज का बोल रहा हूँ। बेटा हमसे कोई है, हम सब कुछ कर देंगे, उनकी पेमेंट बाद में ही होगा। अच्छा उसे बाद में बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस अरे बेटा मैं खुद कर लेती। नहीं नहीं ठीक ओके शुक्रिया। ये आपने जहमत क्यों की? किरण को कहती ना वो लेकर आती। अब हाँ वही लेकर आती लेकिन दरअसल किरण घर पे नहीं है, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो यूनिवर्सिटी नहीं गई, अपनी फ्रेंड के घर गई है पूछने के लिए कि उसने क्या मिस कर दिया आज। खैरियत आंटी, आपने अचानक कॉल करके बुलाया। हाँ वो मैंने सोचा कि आप लोगों से मुलाकात हो जाए और क्यों ना शादी जल्दी कर दें। लेकिन हमने तो डिसाइड किया था कि किरण के एग्जाम्स हो जाएं तो नासिर 6 महीने के लिए अमेरिका होकर आए, फिर हम अपनी बेटी को घर ले जाएंगे। जी आपने बिल्कुल ठीक सोचा, मगर बेटी की माँ हूँ ना, सोचती हूँ जितनी जल्दी मैं इस जिम्मेदारी को सर से उतार दूँ। अच्छा तो फिर क्या सोचा आपने? मैं तो सोची थी कि इसी महीने, मेरा मतलब है कि 15 दिन के बाद हमारी किरण एग्जाम से फ्री हो जाएगी और एक हफ्ता तैयारी कर रख लेते हैं, तो 27-28 तारीख तक, 28 तारीख को जुम्मे का दिन पड़ रहा है, मुबारक होता है ना। देखें वो तो ठीक है लेकिन मैं नासिर के अब्बू से बात करके ही बताऊंगी। वैसे अम्मी अब्बू को क्या एतराज होगा भला, अगर आंटी को कोई मसला नहीं है तो हमें भी तैयारी करने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी होगी। ठीक है बेटा वो हतमी फैसला तो उसके अब्बू ही करेंगे ना, तो मैं आपको 1-2 दिन में कंफर्म कर दूंगी। जी ठीक है जैसे आपकी मर्जी। हाँ सोच के जवाब दे दीजिएगा। अब लेना आपने कुछ लिया ही नहीं बेटा, लो ना प्लीज प्लीज लो ना, आप भी लीजिए ना प्लीज। थैंक यू थैंक यू।
क्या हाल हो गया साहब का मेरी जुदाई में। वो सच में मुझसे कितनी मोहब्बत करने लगे। पत्थर दिल लोगों की गुलामी करते करते दिलनवाज तुम भी पत्थर की हो गई हो, जो अपने साहिब को तकलीफ में देकर कितनी अनजान बन गई है। लेकिन क्या करूं मैं, अभी तो ये लोग साहिब को पागल समझ रहे हैं। अगर मैंने उन्हें अपने होने का यकीन ना दिलाया तो वो सच मुझ पागल हो जाएंगे। और जब मैं आपको ये साफ साफ बात बता दूंगा, मैं कोई पागल वागल नहीं हूँ, सब लोग मुझे पागल समझ रहे हैं। हाँ ये सच है कि फर्स्ट ब्रेकअप के बाद मैं थोड़ा सा साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो गया था, इमोशनल हो गया था, घर छोड़ दिया। नए घर में आया तो एक लड़की से कनेक्ट किया मैंने, रिलेशनशिप डेवलप हो गया, वी इन लव। हालात इस तरह के बन गए कि शादी हुई, सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ। मेरे पेरेंट्स भी बिल्कुल ठीक समझते हैं, उनको मैंने लूप में नहीं लिया, मैंने कुछ बताया ही नहीं, कुछ अपडेट नहीं किया उन्हें। दूसरी तरफ वो जो लड़की की फैमिली है, उसकी बहनें, वो भी कुछ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थी इस रिश्ते को लेकर। जब मेरी अम्मा उनके घर गई तो उनकी बहनों ने साफ इनकार कर दिया कि हमारी कोई बहन भी है। सो वो एक अजीब सा माहौल क्रिएट हो गया, सब इट्स अ फैमिली मैटर, वो फैमिलीज इन्वॉल्व हैं, वो कम्फर्टेबल नहीं है रिश्तों से। इसका 11 है, जस्ट फाइन एंड परफेक्ट, ट्रस्ट मी। डॉक्टर फवाद, मुझे ये बताइए कि ये जो दिलनवाज है ये आपसे कब मिलती है? आई मीन दिन में कौन सा टाइम होता है जब वो आपको नजर आती है? जी, आपने दिलनवाज का नाम लिया, दिलनवाज़ आपने? दिलनवाज, दिलनवाज कहाँ थे तुम यार? हाँ, कितना तलाश किया तुम्हें, कितना ढूंढा, और तुम्हारी दो बहनें तुम्हारे घर से जाकर लड़ाई थी। डॉक्टर फवाद ने कहा तुम हो ही नहीं, तुम्हारा कोई वजूद ही नहीं है। आपको ये यहाँ खड़ी भी नजर नहीं आ रही? आई एम सॉरी बट मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा। झूठ बोल रहे आप मुझसे? ये कौन खड़ा है? ये दिलनवाज खड़ी भी नजर नहीं आ रही आपको? दिलनवाज खड़ी भी नजर नहीं आ रही डॉक्टर साहब? मुझे यहाँ कोई भी नजर नहीं आ रहा। Come on, आप झूठ बोल रहे हैं, मेरे मुंह पे झूठ बोल रहे हैं आप। इसकी बहनों की तरह, इसकी बहनों से मिल गए आप? Come on, सब समझ रहा हूँ। कितने पैसे दिए उन्होंने आपको? हाँ, कितने पैसे लिए बताएं मुझे, कितने पैसे दिए उन्होंने आपको? क्या खबर लाई हो? डॉक्टर और सारे घर वाले उसे पागल समझ रहे हैं सिद्दी भी। और रशीदा? वो बहुत परेशान है, रो रो के पागल हो गई। अभी तो उसकी परेशानियां शुरू हुई। जब उसका इकलौता बेटा पागलखाने में भर्ती होगा तब उसको समझ आएगी नेक बीबियों पे कीचड़ उछालने का क्या अंजाम होता है। इसकी नस्ल को तबाह कर दूंगी। घूर क्यों रही हो मुझे? जाओ,
जुलेखा के घर जाओ, बड़ा अच्छा दाम दिया है हमारे तावीज का। आज उसके शौहर ने फिर उस पर हाथ उठाया, सबक सिखाओ उसे और फौरन वापस आना। आज मेरे चिल्ले का 14वां है, आज से उनकी मुजामत ज्यादा बढ़ जाएगी। 12 बजे से पहले आओ। अब जाओ।